हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखो मैंने अपना करेक्टर बिल्ड किया है बिल्कुल बेन 10 की तरह। तो कैसा लगा करेक्टर पहले ये बता देना, और उसके बाद अभी गेम शुरू किया है। वैसे ये देखिए मैं सीधे विलेज में स्पॉन नहीं हुआ हूँ, मैं विलेज से थोड़ी दूर पे स्पॉन हुआ था क्योंकि मैंने यूट्यूब से बेस्ट सीड जो है अच्छी वाली वो ढूंढ के निकाली थी। और उसके बाद उस सीड में भी यही कहा था कि तुम विलेज के आसपास ही स्पॉन हो जाओगे, तो मैं वहीं स्पॉन हो गया। फिर मैंने विलेज ढूँढा और इस घर में एक था, मैंने वहाँ पर स्पॉन पॉइंट सेट किया और उसके बाद वीडियो बनाना शुरू कर चुका हूँ। तो सबसे पहले अब हमको सबसे पहले अपना घर बनाना होगा क्योंकि इनके घर में रह के कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे रोटिंग स्लैश पड़ा हुआ है, इसको मैं ले लेता हूँ। वैसे मुझे माइनक्राफ्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, वह उतना अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, लेकिन अब हम लोग खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पेड़ काटने होंगे, अपने टूल्स बनाने होंगे, और बहुत ही अच्छी जगह क्योंकि बगल में हरियाली है, जितने चाहें उतने पेड़ काटो, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलते हैं, पेड़ काटते हैं हम लोग यहाँ पे। फिलहाल तो हमको हाथ से ही पेड़ काटना पड़ेगा। एक मिनट, मैंने मतलब पहले भी माइनक्राफ्ट में खेल चुका हूँ लेकिन इतना चौड़ा पेड़ मैंने अब तक नहीं देखा क्योंकि पेड़ तो इसके आधे ही होते हैं। मुझे लगता है ये ज़्यादा लंबा है इसलिए चौड़ा भी लगता है। अभी मैंने माइनक्राफ्ट शुरू किया और रात भी होने वाली है। इसे कहते हैं किस्मत। ये देखो पेड़ काटने का तरीका बहुत ही अच्छा वाला, इससे हम लोग काफ़ी सारी लकड़ियाँ बहुत जल्दी काट सकते हैं। जल्दी से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकता हूँ और उसके बाद चलते हैं घर में, और घर में चलने के बाद अपना क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे अपनी एक्स। बनाने के बाद होगा ये, एक्स बनाने के बाद क्या होगा कि अब हम लोग लकड़ियाँ उसके बाद तेज़ी से काट पाएंगे। ऐसे में तो ज़िंदगी बीत जाएगी लकड़ियाँ काटते काटते और हम लोग लकड़हारे ही रह जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से मैं 10 लकड़ियाँ मतलब हर बार भी मैं 10 का ही काम करता हूँ। पिछली बार भी मैंने माइनक्राफ्ट खेला था तो मैं 10 का ही मतलब जब मैं वीडियोस नहीं बनाता था तभी मैं हमेशा 11 बस हो गया। चलते हैं अपने घर की तरफ इससे पहले कि ज़ॉम्बी आके हम उठा के पटकें। एक बार हम लोग भी प्रो हो जाएंगे फिर तो हम ज़ॉम्बी से नहीं डरने वाले। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने रूम में और बनाते हैं अपना क्राफ्टिंग टेबल। यही है हमारा घर, वैसे तो सब है हमारा घर फिलहाल के लिए, अपना घर तो अभी हमको बनाना है। दरवाज़ा बंद कर देते हैं, यहाँ पे रखेंगे अपना क्राफ्टिंग टेबल। तो क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए यहाँ पे जाना है, सबसे पहले हमको जंगल वुड प्लैंक बनाना होगा। तो जंगल वुड प्लैंक बना लेते हैं हम लोग बहुत सारा, क्योंकि ये जंगल वुड है तो इससे जंगल वुड प्लैंक ही बनेगा। यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल एक बन चुका है, ये क्राफ्टिंग टेबल हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। अब इस क्राफ्टिंग टेबल पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को और भी ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी टूल बनाने के लिए हमको स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ये क्या बोलते हैं एक्स बना लेते हैं, और उसके बाद वुडन पिकेक्स बना लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वो पिकेक्स ही होती है इस गेम में मुझे लगता है। और ये क्या बोलते हैं स्वॉर्ड बना लेते हैं, स्वॉर्ड के लिए स्टिक कम पड़ रही है, थोड़ी स्टिक बना के फिर स्वॉर्ड बना लेते हैं। ये स्वॉर्ड बना ली हम लोगों ने, और क्या इम्पोर्टेंट है, और ये भी बना लेते हैं, वुडन सवल भी बना लेते हैं, सवल बना लेते हैं। और मुझे नहीं लगता होई की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे तो हमको खेती करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। आगे चल के हम लोग आयरन और डायमंड के भी टूल्स बनाएंगे लेकिन फ़िलहाल हमारे पास उतना बजट नहीं है। और ये क्यों सो रहा है भाई, देख ये आंखें खोल के सोता है। ठीक है भाई, आंखें खोल के सो, मेरे से क्या मतलब। वैसे अब रात हो रही है, हमें सो जाना चाहिए, तो भाई तू मत सो क्योंकि तेरे सोने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं सोऊंगा तो दिन हो जाएगा, तेरा भी फायदा। हाँ समझता है भाई, समझेगा कि नहीं, अपना ही चेला जो है तो समझ के, जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। और ये एक समझदार व्यक्ति निकला और ये मेरी बातें समझ गया। तो फिलहाल मैं एक्स लेके चला बहुत सारी लकड़ियाँ काटने। तो इसे लकड़ी का ही घर बनाएंगे हम लोग, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं,
लकड़ी की वैसे खास जरूरत नहीं है, मुझे लगता है मुझे पहाड़ तोड़ने चलना चाहिए, पत्थर का घर बनाना है ना। सबसे पहले हम लोग फटाफट अपना घर बना लेते हैं, छोटा सा या फिर मोटा सा कैसा भी। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले उसमें बेड चाहिए होगा, और बेड के लिए हम लोग को सीप मारनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं किसी का भी बेड चुराऊं, क्योंकि इन लोग भी विलेजर्स हैं। तो चलते हैं, बस मुझे घर का रास्ता जो है वो याद रखना है, मतलब इस विलेज का रास्ता, घर तो है ही नहीं। यहाँ पे एक विलेजर घूम रहा है, यहाँ पे एक ब्लैक हॉर्स भी है, लेकिन अभी हम लोग हॉर्स वगैरह ले नहीं सकते। हॉर्स मुझे लेने आता है, कैसे लेते हैं उसके लिए कुछ उसके ऊपर बैठने वाला बनाते हैं, लेकिन वो कैसे बनता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो सब बात की बातें हैं। फिलहाल हमको सीप ढूंढनी है, या फिर ऐसी जगह जहाँ से हम लोग थोड़े बहुत स्टोन इकट्ठा कर सकें। तो लगता है मैं ऐसे बायोम में ही स्पॉन हो गया हूँ, जहाँ पे सीप तो मिल गई, लेकिन ऐसे बायोम में स्पॉन हो गया हूँ। ये क्या है, ये तो एक रिवीन है, यहाँ पे स्टोन मिल जाएगा मुझे बहुत सारा। कौन सा भी स्टोन चाहिए बस मुझे, ये भाई कौन है दिन में जो। तो बेड बनाने के लिए हमको 3 सीप मारनी पड़ेंगी। यहाँ पे कोल भी है, हमारे खाने बनाने के भी काम आ सकता है कोल। फिलहाल हम लोग को अपने टूल्स को अच्छे टूल्स बनाने के लिए स्टोन की ज़रूरत होगी। हाँ मैं भूल रहा था, तो अब हमको एक और सीप चाहिए होगी। पता नहीं कौन इधर पे ज़ोंबी चिल्ला रहा है बगल में। हाँ, तो एक बढ़िया जगह मिल चुकी है मुझे अपना घर बनाने के लिए, इससे पहले कि रात हो जाए। वैसे तो आज तो रात हो ही जाएगी, लेकिन कल मैं अपने घर में सोऊंगा, किसी और के घर में नहीं। फिलहाल मैं इस जगह को रिपेयर कर लेता हूँ, और इसी जगह पे मुझे घर बनाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक मार्क रख देता हूँ। ये है हमारा मार्क, यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा ऊपर करूँगा तो गिरने पर शायद मैं ही मर गया। तो अरे मुझे लगा TPP इससे भी होता है, मुझे TPP का फुल फॉर्म मुझे पता है TPP क्या होता है, ऐसे वाटर बकेट लेके कूदते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि TPP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर किसी को भी पता है तो वो कमेंट कर सकता है। तो आज तो हम लोग फिलहाल किसी विलेजर के घर में सोएंगे, लेकिन कल हम लोग पक्का अपने घर में सोएंगे। तो चलते हैं सोते हैं। मॉन्स्टर्स नियर बाय। अरे भाई मारो मत, लगता है मुझे तलवार अपने निकालनी पड़ेगी, इनको समझाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। देखो भाई मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो, तुम लोग ऐसा बिल्कुल यार उतने कड़क वाले नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये भी काफी है। चुपचाप मुझे सो जाने दो। सोते हैं। अरे भाई मॉन्स्टर भाई कौन है तू है? आजा, तुझे तो मैं लकड़ी मार के बेहोश कर दूंगा, मतलब लकड़ी की तलवार मार के बेहोश कर दूंगा। तो चलो आज फिर हम लोग सो चुके हैं, ठीक है दादा अभी भी सो रहा है। भाई कौन है? पानी ले जा तू। वैसे इनको मार के काफी कुछ सामान मिल चुका है, इसलिए हम लोग चलते हैं, जो बचे हैं इनको भी मारते हैं। इन लोग तो खुद ही मर गए। तो अब चलते हैं अपनी जगह पे, जहाँ पे हम लोग को अपना घर बनाना था। ऐसे हमारे प्लेयर को भूख लगती है खाने के लिए। कौन मारा जिसका निशाना चूक गया, इस बार नहीं चूका। अरे भाई कौन है भैया जी, कौन है वो, कहाँ से मार रहा है? अरे भाई इसी में मुझे लगा ही था।
तो अब हम लोग मर चुके हैं, तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग घर बनाने